यहाँ देखिए दोस्तों, ये कास्टिंग चल रही है अपनी। अभी मैं स्लैब पे चलूंगा तो देख मॉर्निंग दोस्तों। और आप देख रहे हैं पंकज शर्मा को, और पीछे है वीयूपी, आप स्टेजिंग देख सकते हैं पूरा। सो ये स्टेजिंग लगा हुआ है और इसकी कास्टिंग चल रही है। इसकी कास्टिंग को मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये देखिए पूरा, ये काफी हैवी है अभी इस पे। दोस्तों आप ये जो वीयूपी देख रहे हैं, इसमें बहुत सारा स्टेजिंग लगा हुआ है। और स्टेजिंग लगा हुआ है इसलिए इतना ज्यादा, एक तो हाइट है इसकी और इस पे लोड है, काफी लोड भी है क्योंकि इसकी स्लैब है 850 की, 850 mm की, सो ज्यादा ही पड़ जाती है। और बाकी सारा ये इसका फोल्डिंग की शटरिंग है जो आप देख सकते हैं, ऊपर जैक निकला हुआ है। ये एक अलग एक इसका स्पेसिफिकेशन है कि कितना निकालना, कितने लोड पे या कितना देना, कितने हाइट पे, वो सारा कुछ मैं बताऊंगा डिटेल में। वैसे तो इसका 40% देते हैं जो हमारा जैक होता है, तो जो हमारी जैक निकलती है इसमें स्काफ होल्डिंग में, इसको 40% लगाते हैं ताकि स्टेजिंग हमारा सेफ रहे। और अभी ये जो चीजें देख सकते हैं, इसकी कास्टिंग चल रही है, सामने से मैं दिखाता हूँ दोस्तों। ये पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, आगे से कास्टिंग चल रही है तो मैं सामने जाके दिखाऊंगा आपको। और फिलहाल ये ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे है जो मैं दिखाता रहता हूँ अपने वीडियो में। ये इधर से आ रही शामली से और अम्बाला की तरफ जाएगी। बाकी ये सारा स्टेजिंग लगा हुआ है, सो आप देख सकते हैं दोस्तों। और ये अम्बाला की तरफ जाएगी, काफी लैंड प्रॉब्लम है इधर, लैंड इशू है। यहाँ देखिए दोस्तों, ये कास्टिंग चल रही है अपनी। अभी मैं स्लैब पे चलूंगा तो दिखाऊंगा। बाकी ये सामने एक और मिलर आया हुआ है। मोस्टली मैं कास्टिंग का ही वीडियो बना के डालता रहता हूँ और दिखाते रहता हूँ। बाकी स्टील का तो अभी ऐसा मौका मिला नहीं कि स्टील का भी दिखाओ, क्योंकि स्टील पे टाइम लगेगा और लेबर भी बहुत सारी रहती है, तो वहाँ थोड़ा सा हेजिटेशन होता है चीज़ों को बनाने में दिखाने में। बाकी ऐसा है, बने रहिए और ऊपर फिनिशिंग होता है तो मैं दिखाता हूँ सारी। स्लैब हो गया कंप्लीट। और अब देखिए पहले कैसे था, ये हो गया कंप्लीट।